नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस शो में तो दोस्तों भारतीय नेवी की ताकत आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि कल भारतीय नौसेना में एक नहीं बल्कि दो दो विध्वंसक युद्ध पोतों को शामिल कर लिया गया मुंबई के मज गांव डोक में कल दो स्वदेशी वॉरशिप का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों हुआ दोनों ही वारशिप एडवांस हथियारों व सुविधाओं से लेस है दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का असली मुकाबला पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है चाइना अपनी नौसेना की ताकत को तेज गति से बढ़ा रहा है संख्या के मामले में चाइनीज नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई है इसी को ध्यान में रखते हुए भारत भी अपनी नेवी की ताकत में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है दोनों ही युद्ध पोतों का नाम शहर और पर्वत के नाम पर रखा गया है आई सूरत गुजरात के सूरत से लिया गया है वही आई एन एस उदयगिरी उदय पर्वत श्रृंखला से लिया गया है बात करें आई एन एस सूरत की जो की एक स्टेल्थ गाइडेड डिस्ट्रॉयर है इसका वजन चौहत्तर हजार टन है तथा लंबाई एक सौ तिरसठ मीटर है यह समुद्र में छप्पन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है इसके अंदर ब्राक एट तथा ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलें लगी है जो दुश्मनों को संभालने तक का मौका नहीं देती आई एन एस सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी का नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जबकि आईएनएस उदयगिरी आधुनिक हथियारों से लेस एक फ्रिगेट है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि हम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज़ों का निर्माण करेंगे दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग